तो आज मैं आया हूँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो कि जयपुर में है, और बहुत टाइम से यहाँ के टीचर से मेरी बात हो रही थी यहाँ पे एक डेमोंस्ट्रेशन वाटर कलर का, सो आज मैं देने आया हूँ। तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, मैंने कुछ तो चीज़ें यहाँ पे देख ली है, मैंने इंटरनेट पे पहले देख रखा था यहाँ का, और आप सामने देख सकते हैं यहाँ सारे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं सारे ही आर्टिस्ट हैं, और सब अलग अलग ईयर से, अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो आज डेमो होना है, और डेमो के लिए आज ये बिल्डिंग अभी सिलेक्ट हुई है, आप यहाँ पे सामने बिल्डिंग देख सकते हैं। अभी यहाँ से ना प्रॉपर व्यू तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी उस साइड से जाएंगे तो और अच्छे से व्यू दिखेगा। बाकी आगे वीडियोस में आपको मैं व्यू दिखा दूंगा कि मैंने क्या, मतलब क्या स्पॉट सेलेक्ट करके मैंने ड्राइंग करी है। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर, टीचर से बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या काम करना है, और बच्चों से भी बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू। ये ब्लॉगर है। मैं पूरा ऐसा फिल नहीं करूंगा, हल्का इफेक्ट डालूंगा, सही यहाँ का थोड़ा सा ब्लर होगा, थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। नॉर्मल रील बना सकते, नॉर्मल एक कार खड़ी है, मतलब कार को पूरा पार्किंग की मतलब एकदम पूरी दिखा दे, ऐसे हल्का सा इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से जो भाई बहुत देर से आगे खड़े पीछे वालों को भी जगह दे। ठीक है जो लीफ आ रही है देखो, ये जो ये समथिंग इस जगह पे, ठीक है इस तरीके से पीछे बिल्डिंग। जो बोर्ड बताए ना आप लोग, ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लेंगे 5-10 मिनट का। तरीके बता रहा हूँ करने को, आप कर सकते हो कुछ करो लाइफ में काम कर सकते, एक डर बैठा होता है कि चला ना जाए। ड्राइंग सिंपल होगी उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा काम करना, क्या चीज़ें डिटेलिंग ऐड करोगे, अच्छा वो टायर बनाना है, साइकिल दिख रहा है तो उसमें फिर आप फिर क्या करोगे, उतने स्पेस छोड़ देंगे टायर का, वो है उतने स्पेस छोड़ वो फिर वो डिस्टिक चीज बहुत बस होती है, एक इंप्रेशन देना है, मतलब बैकग्राउंड का ब्लर दे सकते हो, फोर ग्राउंड में मिडिल ग्राउंड की अपेक्षा डिटेलिंग थोड़ी सी कम कर सकते हो, वो देखते हैं। बाकी तो एकदम काम करते हैं क्योंकि एकदम से काम में बेहतर हो जाती है, लाइव काम करो बहुत जल्दी सीखोगे, अच्छा भी आएगा गलत भी होगा कुछ। एक बार डेमो मिला था, खुद से सीखे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जितना आप खुद से एक्सप्लोर करते हो जल्दी सीखने मिलता है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब आज तो लास्ट से चीज़ें यूट्यूब हो गया, या जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो नॉलेज बहुत जो ज्ञान है ना वो मतलब वो बहुत बड़ा है, आपकी जो एज है वो बहुत छोटी है सीखने के लिए, ठीक है।
बट उस एज में जितना आप सीख जाओ उतना अच्छा है। वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, पूरे में अप्लाई नहीं करूँगा, उसे कर सकता हूँ पूरे में, क्योंकि नीचे मेरे को सॉफ्ट दिखाना है तो पूरे में। और ये नहीं कि पूरी ताकत ही लगाने के लिए ब्रश एकदम रगड़ दिया पेपर पे ना, ख़त्म हो गया पेपर बस पानी लगाते हुए, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो क्या फाइबर पेपर निकलने लगेंगे, तो बहुत ही प्यार साथ काम करना होता है। थोड़ा ऐसा देखो कि पानी लग रहा है, कभी कभी पानी लगा दिया लगाओ कलर तो वहाँ तो पानी होता नहीं, वहाँ पे वो गोला बन जाता है, ठीक है वो ड्राई एरिया, ठीक है उसका ध्यान रखना है। और पूरा इसको फिल कर दो, तो लोग इतना स्पेस आप लोग छोड़ देते हो, अच्छा यहाँ पे तो यार इसको छोड़ दो कहीं ऐसा ना ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं पूरा फिल कर दो। ट्रीज ओवरलैप होकर के बिल्डिंग पे आ रहा है, बिल्डिंग लाइट है लेकिन बिल्डिंग में हम एक ग्रेडिएशन देंगे लाइट टू डार्क, नीचे की हल्का जिससे डेप्थ आ जाएगी अच्छी, अभी कैसे करेंगे वो देखना। बैकग्राउंड को थोड़ा सॉफ्ट रखना है जिससे कि आगे की जो ट्रीज थोड़ा डार्क करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड पैचेस में दिखाएंगे, इससे अपने आगे डेप्थ आ जाएगी अच्छी। आप लोग की एक क्षमता है देखने की, और जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब मेन बेसिक पर्पस लाइव आउटडोर का ये है कि क्या एटमॉस्फेयर धूप है छाव है ये मैटर नहीं करता, पूरा फोकस आप एक काम से होना चाहिए, ठीक है अगर आपके अंदर काम करने के तो होगा, मतलब होता ना कि जज्बा होगा ये सब मैटर नहीं करेगा, वेदर मैटर नहीं करता। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्रिंसिपल मैम एंड सभी टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने बुलाया, और मैं चाहता हूँ मेरा एक बड़ा एक था कि जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फील किया है जो अच्छा फील किया है अच्छी अच्छी बातें इतना हम शेयर करेंगे उनको वो चीज़ और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और हर आर्टिस्ट के पीछे एक अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है, और हर स्टूडेंट्स की भी अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो अभी तो मालूम नहीं चलता लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बस मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि पूरा फोकस अपने काम पे रखें, मैटर नहीं करता है सामने वाला कितना अच्छा कर रहा है क्या कर रहा है, मैटर नहीं करता है कि आज आप क्या कर रहे हो आगे 5-10 साल बाद क्या करोगे, ठीक है तो जब अभी हम एक अच्छे से काम करेंगे तभी अपने फ्यूचर देख पाएंगे, ये मत सोचो कि क्या मेरा फ्यूचर होगा, अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो बस अच्छे से काम करें और कोशिश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा कि ड्राइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट ड्राइंग से करें जितना कर सकते हैं, टीचर बताता है अच्छी बात नहीं भी है कोई बात नहीं, जितना खुद से आप एक्सप्लोर करेंगे राजस्थान के अंदर इतनी अच्छी जगह है, मैं तो कभी कल मैंने विजिट किया जयपुर में बहुत अच्छी प्लेस है, अगर मौका लगता तो मैं आपको बाहर आउटडोर देता, ठीक है यहाँ पे तो मैंने असल दे दिया डेमो एक सिंपल सा, ठीक है बाहर जैसे लाइट एंड शेडो या और बिल्डिंग में कैसे कैसे कलर देते हैं वो सारी चीज़ आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन टाइम बहुत कम है, जितना हो सकता है मैंने अपना बेस्ट दिया आप लोग को बताने के लिए, और ही बहुत कुछ है क्योंकि फाइन आर्ट तो कभी ख़त्म ना होने वाला सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, तो बस यही बोलना चाहूँगा जितने बच्चे हैं जिन्होंने पूरा टाइम दिया, ठीक है और ओवर ही हो गया, मुझे लगता है कि टाइम तो ओवर ही हो गया लेकिन फिर भी खड़े रहे देखते रहे टाइम ये बहुत बड़ी बात है, तो सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए, कुछ भी हेल्प होती है मेरी कभी कोई हेल्प बताइएगा, मैटर ये मत सोचिए कि सर पैसे ये सब पैसा ऐसा मैटर नहीं करता है, ठीक है अगर मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ ठीक है तो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ समझे, तो थैंक यू सो मच सभी बच्चों का सभी टीचर्स का एंड राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का। आप लोगों ने एंजॉय किया।
मिल भी जाए तो काट लेना, तो काट लेना, ऊपर मत लेना है। तो हां मैडम आठ बजे तक खुद ही सब सक्षम आपको बहुत अच्छा। अब तुम लोग कुछ बोलो, वो मेरे टीचर है, तुम्हारे टीचर है, अच्छा लगा सर को, लिखो फीडबैक, लिखो सर के लिए राइट गुड फीडबैक। मैं तो दो तीन घंटे खड़ा था, बच्चों का ये होता ना कि आधा धूप में उनको लगता है अब हो गया ओवर, तो साफ से टाइम दे दिया। यस्टरडे व्हेन दे वर अपस्टेयर्स ना, तो ठंड में मर गए, बाहर लगा तो धूप से मर गए, कहां लेके जाए सही बात है। वही मैंने बोला डॉक्टर को भरपूर विटामिन डी मिला सही बात, हां दोस्तों संभव नहीं है चिकन बर्गर में एकदम आज देखो जम के विटामिन डी मिला है, परफेक्ट, बहुत अच्छा बनाया आपने, नाइस गुड वर्क। तो आप यू आर बेस्ड इन दिल्ली? दो तीन लोग से बात होती रहती है मेरी, तो अच्छा लगता है, काम सभी अच्छा कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, क्या वो देना चाहते हैं? बस यही बोला कि चार साल है इसको एकदम अच्छे से जियो, ठीक है, क्योंकि जो चार साल की जो लाइफ है ना वो आपको तभी समझ में आएगा आपने चार साल अच्छे से जिया होगा, नहीं साल में दो तीन करने वाले बच्चे इसलिए दिक्कत और स्केचेस भी इनको ज्यादा से ज्यादा तो मुझे पता है मेरे कमरे के लिए बच्चे को तो नहीं अभी ब्यूटी अलग है ऑफिस में लगाओ मैम। लगना चाहिए रहते हैं, देखते रहते, बोलते हैं प्रिंसिपल चेंबर के झूम रहा के लाना भैया, बहुत अच्छा।